हेलो फ्रेंड्स सोरास लूटो चैनल में आप सबका स्वागत है आज आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स ये देखिए इस थालपोज का डिज़ाइन जो हमने इसको पूरा फुल कंप्लीट कर लिया है ठीक है चलिए फिर शेयर करते हैं आपके साथ कि किस तरीके से हमने इसको बना करके पूरा कंप्लीट किया है पूरा हमने अपने चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड कर दी जिस तरीके से हमने इसको बनाया है स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ अपलोड है वहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट जो भी आपको देख के बनाना वहाँ से आप बना सकते हैं अभी मुझे फिलहाल इसमें झालर लगानी बतानी थी क्योंकि झालर इसमें मैंने नहीं लगाया था इनकम्प्लीट था काफ़ी बड़ा साइज का बिग साइज़ का जो कि कैमरे में नहीं आ पा रहा है ठीक है देख सकते हैं आप लोग ये देखिए मैंने झालर यहाँ पे लगाई हैं इस साइड देख सकते हैं इस तरीके से व्हाइट कलर के पम्पम फ्लावर्स लगाए हैं झालर के रूप में चलिए फिर देख लेते हैं किस तरीके से हम फ्लावर कट करेंगे और स्टिच करेंगे ठीक है चलिए फिर बने रही वीडियो के एंड तक और चलिए देख लेते हैं किस तरीके से झाला लगाएंगे और बीच में आप यहाँ पे चाहते हैं तो छोटा सा कोई फ्लावर बना के डेकोरेट कर सकते हैं इसको या फिर आप कोई मोती भी स्टिच कर सकते हैं बहुत प्यारी लगेगी रेड कलर की मोतियाँ मिले बड़ी बड़ी वो आप स्टिच कर सकते हैं या फिर कोई फ्लावर या किसी और कलर का आप यहाँ लगा करके स्टिच कर सकते हैं चलिए फ्रेंड्स फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं कि पम्पम फ्लावर्स बनाने के लिए देखिए हमने इस तरीके से थ्रेड को ले रखा हुआ है ठीक है पूरा लच्छा है ये इसमें से थोड़ा सा हमने कम वुल किया क्योंकि उलझ गया था थ्रेड हमको कट करना पड़ा था ठीक है अब इसको हमने इस तरीके से लिया दूरी पे टक करेंगे धागे से इसको बांधेंगे चलिए फिर आपको दिखा देते हैं ये देखिए बहुत ही इजी है पूरा आपको दिखा रहे हैं स्टार्टिंग से देखिए यहाँ पे इसको सबसे पहले एक नॉट लगाएंगे आप थ्रेड डबल भी कर सकते हैं एंड सिंगल भी कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है देखिए इस तरीके से नॉट लगाएंगे देखिए ठीक है फिर एक और नॉट लगा देंगे अब दो तीन जितना आपको लगे उतना आप लगा दीजिएगा और उसके बाद से फिर देखिए कैंची की सहायता से थ्रेड को हम कट कर देंगे ठीक है देखिए यहाँ पे हम इसकी सहायता से इसको कट करेंगे ऐसे ठीक है अब देखिए इससे हम बांधेंगे बाद में पम्पम फ्लावर्स को आप फिर इसको छोड़ देंगे इतना देखिए इस तरीके से इतना छोड़ने के बाद फिर एकदम इसको टाइट करिएगा इस तरीके से एंड फिर थोड़ी दूरी पे ला करके तो आप अभी हम आपको बताते हैं फिलहाल टू कलर का ऑप्शन है यहाँ भी हमने इसी तरीके से इसको बनाना है कि हम चाहे तो ग्रीन भी स्टिच कर सकते हैं एंड वाइट भी स्टिच कर सकते हैं देखिए एकदम इसको इस तरीके से रखिए कि फ्लावर एक साइज़ का है देखिए इस तरीके से टाइट करेंगे और फिर यहाँ पे इस तरीके से नॉट लगा देंगे ठीक है और फिर बीच से कट करेंगे तो फ्लावर्स निकलते हुए चले आएंगे देखिए फिर यहाँ भी इसको कट कर देंगे ठीक है देखिए ऐसे यहाँ इसको भी कट कर देंगे फिर थोड़ी दूरी पर ये जो धागा हमने इसको छोड़ा था ना कट कर इसको कट मत करिएगा फिर थोड़ा छोड़ के इसको इतनी दूरी पे लाते हुए फिर यहाँ पे यहाँ पे फिर धागे को स्टिच करेंगे ठीक है तो जो धागा हमने अभी फिलहाल कट किया था वो रखा कहाँ हमने पता नहीं चलिए दूसरा ले लेते हैं अभी बाद में उसको देख लेंगे ठीक है फिर इस तरीके से करते हुए फ्रेंड्स फिर थोड़ी दूरी पर यहाँ पर नॉट लगाएंगे ठीक है तो इस तरीके से हम पम पम फ्लावर्स निकाल लेंगे है ना बहुत ही इजी एंड सिंपल है बनाना इसको पम्पम फ्लावर्स को आप चाहे तो इस तरीके से गेट भी बना सकते हैं बहुत प्यारा बनेगा ठीक है तो ये देखिए इसको टाइट कर देंगे इस तरीके से और ऐसे ठीक है और फिर नॉट लगा देंगे धागे को कट करेंगे देखिए तो इसी तरीके से करते हुए सारे कट करने हैं और बना लेने हैं तो आपको हम थोड़ा सा इसको नॉट लगा करके फिर दिखाते हैं ठीक है थीके? ये देखिए इस तरीके से इतनी दूरी पे हमने लगा लिया है नॉट अब बीच से कट करेंगे यहाँ से तो ये पॉम्पॉम फ्लावर्स बन के कम्प्लीट हो जाएंगे चलिए फ्रेंड्स so, देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से कि हमने वूल को इस तरीके से टक कर लिया है सारा बांध लिया है देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से ये माला टाइप में बन गई है ना देख सकते हैं आप लोग जो हमने थ्रेड बांध करके रखे ना उसको हम इस तरीके से साइड कर देंगे क्योंकि उससे हमको फ्लावर को टक करना है और बाकी देखिए बीच में से कैंची की सहायता से इस तरीके से हम कट करते जाएंगे ठीक है देखिए इस तरीके से कट करेंगे बीचों बीच से फिर ये दो टक करने के लिए छोड़ेंगे फिर यहाँ से बीचों बीच से कट करेंगे ठीक है इसी तरीके से कट करना है देख सकते हैं इस तरीके से हमने एक कट कर लिया है ठीक है ऐसे ही सारे फ्लावर्स कट करेंगे देखिए कैंची से बीस से इस से इधर से इस तरीके से कट करेंगे देखिए इसको भी कट कर देंगे ऐसे ही सारे फ्लावर्स ऐसे ही निकाल लेने हैं कट करके ठीक है देख सकते हैं बहुत ही ईजी है इसको बनाना और उसके बाद से जो थ्रेड्स बचेंगे उससे आपको भी हम टक करना भी बता देंगे किस तरीके से हम टक कर रहे हैं तो सारा आप चाहिए तो दो कलर से भी बना सकते हैं ग्रीन से और वाइट से एंड वाइट से ही बनाइए एंड पूरा आप ग्रीन से भी बना सकते हैं टू कलर का हमने यूज़ किया है तो टू, टू कलर आप भी यूज़ कर सकते हैं चाहे जो सा यूज़ करिए ठीक है थीके? ये आपके ऊपर डिपेंड है तो देखिए इस तरीके से ना हम जल्दी जल्दी देखिए बता रहे हैं आपको देखिए इस तरीके से हमने कट कर लेने हैं सारे फ्लावर्स जितने भी पॉम्पम फ्लावर्स हैं ना सारे कट कर लेने हैं और इसी को फिर हमें स्टिच करना है फिलहाल हमारे पास ग्रीन कलर अभी नहीं है तो हम वाइट कलर का ही यूज़ करने वाले हैं पूरे झालर के लिए ठीक है और अगर आपके पास टू कलर मिलता है तो इससे हमने सिक्स का बनाया है तो थ्री आप ग्रीन से बनाइए एंड थ्री आप येलो से सॉरी वाइट से बना लीजिए ठीक है तो देखिए इसी तरीके से सारे ये देखिए सारे फ्लावर्स हमको पम पम इसी तरीके से कट करने हैं बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स और बहुत जल्दी इस तरीके से आप बना सकते हैं ठीक है पूरा लच्छा लीजिए उसको बांधते जाइए थोड़ी थोड़ी दूरी पे उसके बाद से बीस से कट करते जाइए तो बन के तैयार हो जाएगा ठीक है तो देख सकते हैं आप लोग बहुत ही इजी एंड बहुत सिंपल है तो इसी तरीके से सारे हमें कट करने इतना हमने कट कर लिया देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से देखिए छोटा बड़ा होगा उसकी आप छटाई कर लीजिएगा जैसे कि काट करके बराबर कर देंगे जैसे कि है ना तो इसको सारा हम इस तरीके से कट करके देखिए बराबर कर देंगे जिससे कि फ्लावर अच्छा हो जाए नीट एंड क्लीन फिनिशिंग आ जाए इसके अंदर ठीक है तो ये देखिए इस तरीके से कट कर देंगे तो ये छोटा बड़ा नहीं दिखेगा और बहुत प्यारा के कंप्लीट हो गया देखिए उसी तरीके से बन गया ना और बाकी जितने भी वो कट कर लेते हैं आपको फिर so, देखा देख सकते हैं सारे फ्लावर्स हमने कट कर लिए हैं देखिए इतनी ज़्यादा बनके कंप्लीट हो गए हैं अब आपको हम चलिए इसको साइड करते हैं और फ्लावर्स को फिर स्टिच करना दिखा देते हैं किस तरीके से हम स्टिच करेंगे ठीक है तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग ये देखिए इस तरीके से हमने वन पार्ट इसका जैसे ये कम्प्लीट किया है यहाँ पे कम पड़ गया है ठीक है जैसे हमने यहाँ पे जैसे हमने सोचा था कि यहाँ पे एक ये जो पूरा फ्लावर का पार्ट है वो वाइट से करेंगे फिर एक पूरा ये जो पार्ट होगा वो ग्रीन से करेंगे फिर वन जो इसका एक और पार्ट होगा उसको भी वाइट से करेंगे फिर ग्रीन से करेंगे फिर वाइट से करेंगे फिर ग्रीन से करेंगे ठीक है तो फ्रेंड्स फिलहाल हमारे पास ग्रीन कलर नहीं है और टाइम भी हमारे पास अभी नहीं है तो इसलिए हम इसको सारा वाइट से ही कर देंगे ठीक है सारा वाइट से ही कम्प्लीट करेंगे तो चलिए फिर स्टिच करना भी देख लेते हैं किस तरीके से स्टिच कर रहे हैं और कैसे करेंगे और कहाँ तक इनकम्प्लीट है तो सारा कुछ आपको दिखाते हैं इसमें देखिए अभी इस इस वाले पार्ट में ना देखिए अभी इतना इनकम्प्लीट है ठीक है फ्लावर्स नहीं थे हमारे पास अभी हमने कट नहीं किए थे देखिए अब इसको लेना है जैसे हमने थ्रेड रखे थे छोड़ के अब यहाँ पे देखिए नॉट लगाना बहुत ही ईजी है फ्लावर्स बने रहेंगे तो आप इसको जो ईजिली जल्दी स्टिच कर लेंगे देखिए ठीक है इस तरीके से स्टिच करने दो नॉट लगाया एक और लगा लेते हैं थ्री नॉट लगा करके धागे को यहीं पर कट कर देंगे और धागे को इसके बराबर कट करिएगा देखिए इसके बराबर ठीक है ज़्यादा नहीं कट करना है इसके बराबर कट करना है हो गया तैयार हो गया देखिए कितना प्यारा सा ये पम पम फ्लावर कंप्लीट हो गया फिर नेक्स्ट इसी में फिर एक और ले लीजिए इस तरीके से बाद में इसकी छटाई करेंगे ठीक है जो छोटा बड़ा दिख रहा होगा पहले इसको हम नॉट लगा लेते हैं सारा हम पहले स्टिच कर लेंगे और उसके बाद से फिर उसकी छटाई करेंगे ठीक है तो फिर देख सकते हैं इसको भी सेम वैसे ही हल्के हाथों से ला कर के यहाँ पर बांध देना है एक नॉट टाइट लगाएंगे एक और नॉट लगाएंगे ठीक है देखिए और एक और नॉट लगा लेंगे तो थ्री नॉट लगाएंगे और उसके बाद से देखिए धागे को यहीं पे हम कट कर देते हैं ठीक है और धागे को इस तरीके से कट करेंगे इसी के साइज़ में देखिए और जो आपको यहीं पे चाहिए तो आप यहीं पे इसको सेट भी कर सकते हैं जैसे कि छोटा बड़ा है जैसा भी है उसको इस तरीके से यहीं पे आप छटाई कर लीजिए और यहीं पर देखिए इसका फाइनल लुक कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है तो इसी तरीके से करते हुए ना सारे हमें पॉमपम फ्लावर्स स्टिच करने हैं फ्रेंड्स तो थोड़ा आपको स्टिच करके हम दिखाते हैं है ना इतना हमने कर लिया फिर थोड़ा सा और आपको स्टिच करके दिखा देते हैं फिर दिखाते हैं इसका फाइनल लुक तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग हमने पूरी इसकी झालर बना करके कंप्लीट कर लिए देखिए चारों साइड में झालरें लग गई हैं ठीक है बस वन रो इसका कंप्लीट नहीं है इनकम्प्लीट है यानी कि वहाँ पर हमारा वूल कम पड़ गया आपको दिखा दें एक ही रो इसकी बचा हुआ है बचा है तो उसमें लगाना है देखिए ये सारा हमने झालर बना लिया है पूरे में ये देखिए झालर आप देख सकते हैं यहाँ तक पूरा ये हमने बना करके कंप्लीट कर लिया है ठीक है देखिए पूरी झालर हमने बना ली है काफ़ी बड़ा बना हुआ देखिए बस ये इसका वन पार्ट जो ये है इनकम्प्लीट है यानी कि हमको इसको बनाने के लिए कितना चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ठीक है सिक्सटीन चाहिए तो सिक्सटीन में देखिए हमारे पास कितने अभी हैं इस समय जो हमने अभी स्टिच नहीं किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट और चाहिए ठीक है उसके बाद से ये हमारा बन के हो जाएगा फाइनल लुक इसका तैयार है ठीक है एंड इसमें आप यहाँ पे मोती स्टिच कर लीजिएगा या फिर कोई छोटा सा फ्लावर्स बना के यहाँ पे स्टिच कर दीजिए जो आपको मतलब लगे वो आप यहाँ पे स्टिच कर सकते हैं आपको मैं इसका दिखाती हूँ लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ठीक है ये देख सकते हैं आप लोग पूरी जब झालर इसकी बनकर कम्प्लीट हो गई ना तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करते तो बनता ही है चैनल पर नए होंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड बेलाइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नया लेकर थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय एंड टेक केयर